हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वेब सीरीज व्यूअर की कौन एपिसोड में। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम रिव्यू करने वाले हैं G5 ओरिजिनल्स के लेटेस्ट वेब सीरीज ब्लैक विडोज का। तो चलिए दोस्तों फटाफट से ब्लैक विडोज वेब सीरीज का हम रिव्यू करते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास देखने को मिलता है आपको इस वेब सीरीज के अंदर। क्या ये वेब सीरीज आपको देखनी चाहिए या फिर नहीं, सारा कुछ डिटेल में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना वीडियो को लंबा किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें ब्लैक विडोज वेब सीरीज की, तो दोस्तों इस वेब सीरीज को रिलीज की गई है G5 की तरफ से। और दोस्तों ये जो वेब सीरीज है बेसिकली क्राइम ड्रामा मिस्ट्री जॉन की वेब सीरीज है, जिसके अंदर टोटल आपको 12 एपिसोड देखने को मिलते हैं और ये वेब सीरीज काफी ज्यादा लंबी भी आपको देखने को मिल जाती है। बात करें अब इस वेब सीरीज की स्टोरी और प्लॉटिंग की, तो दोस्तों इसकी जो स्टोरी है वो बेस्ड है 3 औरतों पर, जो कि आपस में वो तीनों जो है एक बेस्ट फ्रेंड होती है और वो अपने घर से काफ़ी ज़्यादा जो है दोस्तों परेशान होती है, क्योंकि उनके जो हस्बैंड है, ये तीनों के जो हस्बैंड है वो काफ़ी ज़्यादा इन तीनों को जो है फिजिकली असॉल्ट करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी कुछ होती हैं जो भी पति पत्नी के बीच जो झगड़े उगड़े होते हैं वो सारा कुछ आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ये तीनों जो जो बेस्ट फ्रेंड्स जो औरतें हैं, ये तीनों जो है ये थक जाती है अपनी पतियों से और दोस्तों ये एक प्लान बनाती है अपनी पतियों का जो है मर्डर करने का। और साथ ही साथ इनके जो तीन जो पति होते हैं उनकी जो है एक बॉम्ब ब्लास्ट में जो है दोस्तों वहाँ पर उनकी मौत हो जाती है। फिर जो है दोस्तों ये तीनों जो जो औरतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्री हो जाती है अपने लाइफ से और ये तीनों काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयमेंट करती हैं दोस्तों। और दोस्तों बता दूं कि ये इनके जो तीनों जो हस्बैंड होती हैं उन हस्बैंड होते हैं इनकी जो है बॉम्ब ब्लास्ट में मौत हो जाती है। फिर एक दिन जो है एक पुलिस इंस्पेक्टर जो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इनके पास पहुँचता है और ये तीनों जो औरतें हैं ये काफ़ी ज़्यादा है जो दोस्तों ये परेशान हो जाती हैं, क्योंकि इन्होंने ही अपने पतियों को मारा। और फिर जाके आगे पता चलता है कि उन तीनों में से किन्हीं एक का जो पति है वो अभी जिंदा है और वो खोज रहा है उन किलर को जो कि उन्हें मारने की कोशिश की थी। अब क्या कुछ आगे होता है, क्या वो उन किलर को इनके हस्बैंड को पकड़ पाते हैं या फिर वो पुलिस इंस्पेक्टर इस केस को और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करके उन किलर्स को पकड़ पाता है, यही कुछ आप इस ब्लैक विडो के वेब सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बात करें इसकी मेन लीड स्टार कास्ट की, तो इसमें आपको लीड रोल में मोना सिंह, समिता शेट्टी, रीमा सेन, स्वस्तिका बैनर्जी, शरद केलकर, सोवी कवि जैसे बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन एक्टर्स आपको इस वेब सीरीज के अंदर देखने को मिलते हैं। बात करें इनकी ऑल ओवर परफॉर्मेंस की, तो जितने भी एक्टर हैं उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक देखने को मिलती है। और साथ ही साथ बात करें इस वेब सीरीज की डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है और इस पूरी वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है बिरसा दास गुप्ता ने। और दोस्तों ऑल ओवर ये वेब सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग और ज़बरदस्त स्टोरी के साथ रिलीज की गई है G5 पर। तो दोस्तों आप इस वेब सीरीज को G5 पर जाकर के इंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त ये वेब सीरीज है। हालांकि ये G5 पर स्ट्रीम हो रही है। और दोस्तों ये थी इस वेब सीरीज के रिव्यू। आपको ये रिव्यू कैसे लगी नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर दें। फिलहाल आज के लिए तहीं मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।